अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? होप सो ठीक ठाक होंगी जी स्टूडेंट्स। वेलकम बैक। आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के सब्जेक्ट में हमने प्रीवियस जो है वो नेटवर्किंग को डील किया है। नेटवर्किंग में सारा कुछ, तो उसके कौन से मॉडल है, उसकी क्या अवेलेबिलिटी है, उसकी क्या बिल्डिंग ब्लॉक्स, ETC, ये सारी चीज़ें देख ली हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन। 178 पेज है इसका जी। वर्चुअलाइजेशन क्या कॉन्सेप्ट होता है? वर्चुअलाइजेशन जो होती है सिंपल, हम लाइक जैसे कि वर्चुअल लैन। हम अब चूँकि वर्चुअलाइजेशन तो फिजिकल एग्जिस्ट नहीं ना कर रही होती, अब यहाँ पे नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन कॉन्सेप्ट है, तो हम इसको इन अ नंबर ऑफ वेज में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो हम ये हम इस सेक्शन के अंदर जो है वो वी लैन, वर्चुअल स्विचेस, सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग एंड नेटवर्क वर्चुअल फंक्शंस वर्चुअलाइजेशन को देखेंगे। सो पहला पॉइंट है इसका वर्चुअल लैन, वी लैन। वर्चुअल लैन चूँकि ये बेटा आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में सारा स्ट्रक्चर आता है कि क्या चीज़ कैसे जो है वो हम लगाते हैं। वर्चुअल लैन इनेबल्स लॉजिकल ग्रुपिंग ऑफ नेटवर्क नोड्स ऑन द सेम लैन, ठीक है। मतलब लॉजिक इसकी सेम वही है जैसे हम लोकल एरिया नेटवर्क में लेते हैं, बस वो वर्चुअल के साथ हम उसको कनेक्ट करते हैं जो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता। ओके, वी लैंस आर कॉन्फिगर्ड ऑन नेटवर्क स्विचेस एंड ऑपरेट एट द इथरनेट लेवल। अब जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है नेटवर्क स्विचेस के ऊपर होती है, और उसको हम ऑपरेट करते हैं इथरनेट लेवल के ऊपर करते हैं। नो एक्स्ट्रा कन्फिग्रेशन इज नीडिड ऑन होस्ट यूजिंग आ वी लैन। जनरल पर्पज ऑफ इम्प्लीमेंटिंग वी लैन इज टू अलाउ सेगमेंटिंग आ नेटवर्क एट द डाटा लिंक लेयर विदाउट डिपेंडिंग ऑन नेटवर्क लेयर डिवाइसेस। सो हम इस जो इसके अंदर वी लैन के अंदर अलाउ करते हैं सेगमेंट्स होते हैं ना, सेगमेंट्स पोर्शंस होते हैं नेटवर्क डाटा लिंक के अंदर, क्योंकि हमारा हम जो नेटवर्किंग करते हैं जैसे कि राउटर है, तो राउटर के ऊपर ही होते हैं ना वर्चुअल लैन सारी उसकी कॉन्फ़िगरेशन, डिपेंडिंग ऑन नेटवर्क लेयर सच एज राउटर्स, ठीक है जी। तो ये इसके ऊपर विदाउट डिपेंडिंग ऑन, इसमें कोई नहीं, हम स्विचेस के साथ जो है वो वी लैन नेटवर्क को क्रिएट करते हैं डाटा लिंक लेयर के साथ। सो मे बी आप राउटर यूज़ करें या ना करें, लेकिन ये स्विचेस के साथ जो है हमारा वर्चुअल लैन नेटवर्क क्रिएट हो जाता है। टू वर्चुअल लैन इन वन लैन। अब जैसे आपके राउटर्स की कमांड्स होती है, इस तरह स्विचेस की भी कमांड्स होती हैं। वी लैंस हैव द सेम एट्रीब्यूट्स एज द फिजिकल लैन। जैसे हमारा फिजिकल लोकल एरिया नेटवर्क है वैसे ही होता है, बट दे अलाउ एंड स्टेशंस टू बी ग्रुप टुगेदर इवन इफ दे आर नॉट फिजिकली कनेक्टेड टू द सेम स्विच। ये आप देख लो, ये उस स्विच के साथ है, ये उसके स्विच के साथ कनेक्टेड है, तो फिजिकल नेटवर्क में तो सारे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। तो यहाँ पे ये देखे, ये एक वर्चुअल लैन है, ये दूसरा वर्चुअल लैन है, इस तरह ये एक दूसरे के साथ एंड पॉइंट के साथ कनेक्टेड है। वी लैंस ऑफर द फ्लेक्सिबिलिटी टू अडॉप्ट टू चेंज इन नेटवर्क रिक्वायरमेंट्स एंड अलाउ सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेशन। तो मज़ीद इसके अंदर इन्हांसमेंट की जाती हैं, आप फ्लेक्सिबल है जब चाहें इसके अंदर नेटवर्क और नेटवर्किंग करके और ऐड कर सकते हैं स्विचेस, और ऐड कर सकते हैं अपने पीसीज, और ऐड कर सकते हैं एंड नोड्स। फॉर वी लैंस टू कम्युनिकेट विद ईच अदर एज आर राउटर इज़ नीडेड। अब देखें जी, स्विचेस तो लगे हुए हैं, अब फर्दर एक इनको आपस में कनेक्ट करने के लिए भी हमें फर्दर जो है वो राउटर को यूज़ करना पड़ता है। बिकॉज ऑफ द स्ट्रेच्ड ब्रॉडकास्ट डोमेन, बहुत ज़्यादा वास्ट हो जाए तो फिर हमें राउटर की ज़रूरत पड़ती है। इट इज़ नॉट रिकमेंडेड टू हैव अ वी लैन स्पैनिंग मल्टीपल लोकेशन। अब ये मैटर नहीं करता, ठीक है, कि वो किधर है, किस जगह पे है, वर्चुअली एक्सेस है, लेकिन राउटर की ज़रूरत हमें होती है। ओवरऑल आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं वो टोटली राउटर्स के साथ ही तो आपस में कनेक्टेड है। वी लैंस कैन इनहेंस सिक्योरिटी बाय प्रिवेंटिंग ट्रैफिक इन वन वी लैन फ्रॉम बीइंग सीन बाय होस्ट इन अदर डिफरेंट वी लैन। मतलब एक वी लैन की ट्रैफिक जो है वो दूसरी तरफ जो मूव कर, देखिए सेंडर टू रिसीवर मूव हो रहा है, तो वो सबको क्या कर रहा है, सिक्योरिटी की ज़रूरत है, तो इन्हांस करेंगे हम इसकी सिक्योरिटी। इट इज़ अ वीक सिक्योरिटी कंट्रोल।
However, because when traffic is routed between VLANs or when multi-home system are used, VLAN can see each other traffic again. तो इस वजह से ये जो है सिक्योरिटीज के अंदर कंट्रोल जो है वो वीक है. देन उसके बाद आपका एक्सटेंसिबल वर्जन आया वर्चुअल लैन के अंदर, ठीक है, जिसके अंदर कुछ इंक्रिप्शन का मेथड था वी एक्स लैन. वर्चुअल एक्सटेंसिबल लैन इज एन इनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल डैट कैन बी यूज टू क्रिएट अ लॉजिकल स्विच्ड लेयर टू नेटवर्क अक्रॉस राउटेड लेयर नेटवर्क थ्री. ठीक है जी, अब देखिए इनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल है तो पता चल गया कि थोड़ा सा सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए यूज़ हो रहा है. तो अब इसके अंदर क्या हुआ था कि सिक्योरिटी ये थी कि इनकैप्सुलेट कर दिया गया था, जैसे कि आपका मैसेज है उसको हाइड कर देना, इनकैप्सुलेट कर देना. तो एक्चुअली ये लॉजिक जो है वो लेयर टू के ऊपर जनरेट हो रही थी अक्रॉस राउटेड बाय जो इसकी लेयर थर्ड है उसके ऊपर जा रही थी. लाइक वी लैंस ओनली सर्वर्स विद इन द सेम लॉजिकल नेटवर्क कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर. तो लॉजिक इसकी भी अब वही है जो वर्चुअल लैन की थी. सो इसमें ये था कि लाइक थोड़ा सा मल्टी टेनेंट एनवायरनमेंट, मतलब कि इसमें थोड़ा सा सिक्योरिटी पर्पस यूज़ हो गया. दे अलाउ मैनी फुली सेपरेटेड, जिसमें हम अलग-अलग लैंस को एग्जिस्ट इन अ शेयर्ड एनवायरनमेंट, इसको कनेक्ट किया, उसको आपस में इनकैप्सुलेट कर दिया. सो चूँकि आप ये तो ज़्यादा मतलब सेपरेटेड लैंस सेगमेंट को भी आपस में कनेक्ट करते, एक्सटेंसिबल वर्जन है ना ये, तो जहाँ पे वी लैंस था ओनली किन चीज़ कितने की अलाउ करता था इसमें, फॉर मैक्सिमम ऑफ 4096 नेटवर्क आई डी जस्ट. तो वी एक्स लैन इंक्रीजेस द नंबर ऑफ अवेलेबल आई डीज टू 16 मिलियंस, मतलब कि यहाँ तक इसमें हम नेटवर्क ऐड कर सकते हैं. वर्चुअल एन आई सीज, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड्स, पता ही है कि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड किस पर्पस के लिए हम यूज़ करते हैं जी, फॉर द कम्युनिकेशन पर्पस यूज़ करते हैं. वर्चुअल मशीन रनिंग ऑन फिजिकल मशीन शेयर दिस एन आई सीज. सो आपकी जो वर्चुअल मशीन है हमें पता है कि वो भी तो कहीं ना कहीं फिजिकल मशीन्स के ऊपर ही एग्जिस्ट कर रही है ना, किसी न किसी सर्वर को यूज़ कर रहे हैं या होस्ट कंप्यूटर को यूज़ कर रहे हैं. वेयर द हाइपरवाइजर, जी हाइपरवाइजर का अगर कंसेप्ट आएगा तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि ये वर्चुअलाइजेशन का कंसेप्ट होता है. तो वो मेरा नहीं ख्याल कि आप लोगों को ये पता नहीं होगा हाइपरवाइजर क्या होता है, बिकॉज आपको जो असाइनमेंट दी है ना मैंने वर्चुअल बॉक्स वाली, तो हाइपरवाइजर को ऑन करना पड़ता है हमें वर्चुअल मशीन को इंस्टॉल करने के लिए. हमारे सिस्टम अगर हम वर्चुअल मशीन इंस्टॉल करना चाह रहे हैं एक ही विंडो के ऊपर दूसरा जो है विंडो का सेटअप करना चाह रहे हैं तो हमें हाइपरवाइजर को ऑन करना पड़ता है. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन और हाइपरवाइजर हम इसको नेक्स्ट सेक्शन में देख लेंगे. प्रोवाइड्स वर्चुअल एन आई सीज टू वर्चुअल मशीन, वही बात बता दें ना कि वर्चुअल मशीन इंस्टॉल करने के लिए हमें हाइपरवाइजर को ऑन करना पड़ता है. इनेबल दैम टू कम्युनिकेट टू ईच अदर वर्चुअल मशीन ऑन द सेम फिजिकल मशीन. अब एक सिंगल लाइन में ये क्लियर एलेबोरेट कर दी है चीज़ कि हमें वर्चुअल मशीन को मतलब फिजिकल मशीन को वर्चुअल मशीन के साथ कम्युनिकेट करवाने के लिए एक ही मशीन के ऊपर, मेरा एक लैपटॉप है उसके ऊपर टू जो है वो मशीन चल रही हैं, लाइक एक तो है विंडो और दूसरी उसके ऊपर मैंने कहा कि चलो मुझे लाइनक्स या यूनिक्स का कोई वर्जन करना है तो मैं हाइपरवाइजर को ऑन कर रही हूँ, तो वर्चुअल मशीन को अपनी ही फिजिकल मशीन के ऊपर ही मैं दोनों काम कर रही हूँ. कम्युनिकेशन बिटवीन वर्चुअल मशीन ऑन द सेम फिजिकल मशीन आर राउटेड डायरेक्टली इन मेमोरी स्पेस बाय हाइपरवाइजर. तो हम वर्चुअल मशीन की कम्युनिकेशन फिजिकल मशीन के साथ कैसे करवा सकते हैं, हाइपरवाइजर के साथ, विदाउट यूजिंग द फिजिकल एन आई सी एट ऑल. हाइपरवाइजर के साथ भी करवाई जा सकती है, ज़रूरी नहीं है कि हम एन आई सी को ही यूज़ करें, फिजिकल एन आई सी. लेकिन चूँकि ये हम कम्युनिकेशन पर्पस के लिए यूज़ करते हैं नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, तो ये भी कंपलसरी होती है जब हम नेटवर्किंग कर रहे होते हैं. व्हेन अ वर्चुअल मशीन वांट्स टू कम्युनिकेट टू अ वर्चुअल मशीन, जब आपकी एक वर्चुअल मशीन दूसरी वर्चुअल मशीन के साथ होस्टेड, ठीक है, एक होती है होस्ट एक होती है गेस्ट, ठीक है, होस्ट आपका कंप्यूटर है, गेस्ट उसके ऊपर आप इंस्टॉल कर रहे हो, और अनदर फिजिकल मशीन बाय द हाइपरवाइजर राउटर
ईथरनेट पैकेजेस फ्रॉम द वर्चुअल एनआईसी ऑन द वर्चुअल मशीन टू द फिजिकल एनआईसी ऑन द फिजिकल मशीन। तो ये दोनों आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं, वर्चुअल मशीन भी कर सकते हैं, वर्चुअल मशीन टू फिजिकल भी कर सकते हैं। तो जब आपको वर्चुअल से फिजिकल में करना है तो आपको एनआईसी यूज़ करना पड़ेगा। वर्चुअल मशीन्स आर ओनली अ वे टू वर्चुअल एनआईसीज प्रोवाइडेड टू देम एंड सिंस फिजिकल एनआईसीज आर इनविजिबल टू वर्चुअल मशीन सो इज़ द वे द फिजिकल एनआईसी आर कनेक्टेड टू द फिजिकल नेटवर्क। तो ये एक तरीकाकार है कि एनआईसी को हम जोड़ देते हैं तो वो फिजिकल नेटवर्क के साथ कनेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से आपका हाइपरवाइजर जो है हम यूज़ करते हैं एनआईसी टीमिंग और अदर टेक्नोलॉजीज टू रिडंडेंटली कनेक्ट फिजिकल मशीन्स। तो इन सिंपल अदर वर्ड्स यही है कि वर्चुअल मशीन एक सिंगल आपका जो वर्चुअल एनआईसी है, हम एक मशीन से दूसरे मशीन के साथ कनेक्टिविटी को शो करने के लिए, बातचीत करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए हम एनआईसी को यूज़ करते हैं, या फिर हमने एक ही मशीन के ऊपर नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन करनी है, डिफरेंट वर्चुअल मशीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना है उसको, ठीक है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है ना विंडो की हुई है उसके ऊपर, और ज़्यादा दूसरा आप सर्वर इंस्टॉल करना चाह रहे हो या विंडो एनटी यूज़ करना चाह रहे हो या कोई लिनक्स का वर्जन यूज़ करना चाह रहे हो, यूनिक्स करना चाह रहे हो, तो इट्स डिपेंड अपॉन यू। तो कॉन्सेप्ट था वो क्लियर होना ज़रूरी है। उसके बाद आते हैं वर्चुअल स्विच। इन वर्चुअल मशीन्स वर्चुअल एनआईसीज आर कनेक्टेड टू वर्चुअल स्विचेस। वर्चुअल स्विच इज़ एन एप्लीकेशन, ठीक है, आपको जो वर्चुअल स्विचेस है वो एक एप्लीकेशन है जो रनिंग करते हैं हम किसके ऊपर, हाइपरवाइजर के ऊपर। ये क्योंकि ये हाइपरवाइजर का टॉपिक नेक्स्ट में है आपके 10 पॉइंट्स वाले सेक्शन के अंदर, तो वहाँ पर हम देख लेंगे। विद मोस्ट ऑफ द कैपेबल ऑफ द फिजिकल नेटवर्क स्विच, अब वर्चुअल स्विच जो आपका डायनामिकली कन्फिगरेट करते हैं हम इसको, बेसिसली पोर्ट्स, जो पोर्ट्स हम यूज़ करते हैं वर्चुअल स्विच आर कन्फिगर्ड एट रन टाइम। आप देखें जब हम डायनामिकली रनिंग करते हैं तो इसकी पोर्ट्स को हम कन्फिगर करते हैं रन टाइम पे। अब नंबर ऑफ पोर्ट्स ऑन द स्विच इज इन द थ्योरी अनलिमिटेड। वर्चुअल स्विच नॉट ट्रांसफॉर्मेशन एंड टू फ्रॉम फिजिकल केबल्स आर नीडिड सो नो केबल डिसकनेक्ट्स कैन अकर। अब यहाँ पे जब वर्चुअल स्विच की बात करें तो केबल्स कहाँ से इसके अंदर कनेक्टेड सारी तो नज़र नहीं आएंगी ना। एंड अ वर्चुअल स्विच डजंट हैव टू लर्न द मैक एड्रेस ऑफ द कनेक्टेड एनआईसीज ऑलरेडी नाउ बाय द हाइपरवाइजर। हमें इसमें अलहदा से भी पता नहीं चलना चाहिए कि मैक एड्रेस इसका ये है, ये जो हाइपरवाइजर इंस्टॉल हो चुका हुआ है एनआईसीज के साथ कनेक्टेड की वजह से, तो उसको ऑलरेडी ये मैक एड्रेस पता है तो ऑटो डिटेक्ट हो जाएगा। हमें उसको खुद डिटेक्शन की ज़रूरत नहीं है। This increases speed and reliability and reduce complexity compared to physical switches. अब देखो इस चीज़ के अंदर आपको खोल के हर चीज़ एलेबोरेट की गई, क्योंकि ये सारा IT इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आ रहा है, मतलब कि आपने एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब एक काम करना है, नेटवर्किंग का ही करना है, तो आप कैसे उसको मैनेज करोगे। जैसे कि डाटा सेंटर हमने प्रीवियस देखा है, उसे प्रीवियस अवेलेबिलिटी परफॉर्मेंस इनके बारे में रीड आउट किया है, तो ये सारे आपके इसके साथ रिलेट करें। तो वर्चुअल नेटवर्किंग आल्सो इम्प्रूव सिक्योरिटी, देयर इज़ नो इजी वे टू इंटरसेप्ट नेटवर्क कम्युनिकेशन बिटवीन वर्चुअल मशीन्स फ्रॉम आउटसाइड टू द फिजिकल मशीन। तो यहाँ पे अवेलेबिलिटी इम्प्रूव हुई बिकॉज देयर आर नो नेटवर्क हब्स, राउटर्स, अडॉप्टर्स और केबल्स आर कुड फिजिकली फेल। तो इसके अंदर जो चीज़ें इम्प्रूव हुई हैं वो तो आप लोगों को पता है, वर्चुअल स्विच है, वर्चुअल लैन नेटवर्क है, तो हम फिज़िकली सारा कुछ नहीं कनेक्ट कर रहे, फिर फिज़िकली हमने NIC को कनेक्ट किया है और वर्चुअल स्विच लगाया है, वर्चुअल मशीन्स जो हैं वो अटैच होगी। तो ये हमारा हाइपरवाइज़र है, जैसे एक वर्चुअल, ये एक हाइपरवाइज़र आपकी फ़िज़िकल मशीन है ये वाली, ठीक है, फिज़िकली NIC के साथ कनेक्टेड किया, वर्चुअल स्विच लगा, वर्चुअल मशीन इंस्टॉल किए, इसके ऊपर और ज़्यादा वर्चुअल जो है हमने नेटवर्क क्रिएट किया। वर्चुअल स्विच कैन बी कनेक्टेड टू मल्टीपल फिजिकल NICs, बट फिजिकल NIC कैन ओनली बी कनेक्टेड टू वन वर्चुअल मशीन। अब एक फिजिकल जो है वो सिर्फ वन वर्चुअल के साथ कनेक्टेड होगा,
ठीक है, वर्चुअल मशीन मल्टीपल NICs के साथ कनेक्टेड करते हैं हम, लेकिन जो NIC आपका वर्चुअल स्विच होता है ना, वो सिर्फ एक NIC के साथ कनेक्टेड होता है, तो इसी वजह से ये इलीगल पाथ को अवॉइड कर देते हैं। तो देयर इज अ सॉफ्टवेयर बेस्ड ऑन दी विच इज़ स्लोअर देन द हार्डवेयर बेस्ड स्विच। साफ सी बात है, अब सॉफ्टवेयर है तो उतना ही स्लो डाउन होगा ना। अब आपने एक फिजिकल वायर लगाई है इंटरनेट की, वो ज़्यादा स्पीडली काम करेगा इंस्टेड ऑफ वाईफाई। एज अ फिजिकल नेटवर्क स्विच इज बेनिफिट्स फ्रॉम हार्डवेयर एक्सलोरेशन यूजिंग स्पेशलाइज हार्डवेयर सर्किट्री। मतलब ये एप्लीकेशन यूज़ करते हैं ASICs, एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट्स यूज़ करते हैं फॉर हाई स्पीड पैकेट स्विचिंग। ज़्यादा हाई स्पीड जो है पैकेट स्विचिंग के लिए, आपकी इंटरनेट की स्पीड को इन्हांस करने के लिए ASICs यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स आई थिंक सो के कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी आपको बी लेंस में भी, एक्स लेंस में और वर्चुअल NICs के अंदर। हमने जो टॉपिक पढ़े हैं वर्चुअल स्विच के अंदर, इतना ही आप लोगों का यहाँ पे वाइंड अप कर देना चाहिए क्योंकि लेक्चर फिर ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। ओके जी स्टूडेंट्स, गुड लक, अल्लाह हाफिज़।